नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा के उपचुनाव की दो सीटों को लेकर आज उपचुनाव हो रहा है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट को लेकर उपचुनाव हो रहा है, जहां मतदान चल रहा है। आप देख सकते हैं लोग यहां पर मतदान कर रहे हैं। ये आदर्श बूथ केंद्र बनाया गया, जहाँ पर कई सारी चीज़ों को रखा गया है। साथ ही एक अनोखी चीज़ बताएंगे, यहाँ पर वैक्सीनेशन भी हो रहा है। वैक्सीनेशन हो रहा है, व्हील चेयर है, क्या कुछ, क्या वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ वैक्सीनेशन भी हो रहा है। कितने लोगों को वैक्सीनेशन दी है? अभी 11 आदमी को दे चुके हैं, दो आदमी लाइन में लगे हुए हैं। वैक्सीन दिया जा रहा है यहाँ पर? हाँ, वैक्सीन सी डोज है यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड दोनों दे रहे हैं। दोनों डोज है? दोनों हैं, दोनों वैक्सीन भी है, कोविशील्ड भी और कोवैक्सीन भी है, दोनों वैक्सीन भी है। लोगों से पूछ कर दिया जाता है? हाँ, पूछ कर दिया जाता है। जिसको फर्स्ट डोज है उसको देते हैं, जिसको सेकंड है अगर टाइम 84 दिन पूर गया तो उसको फिर सेकंड डोज लगाते हैं। सेकंड डोज भी देते? हाँ, सेकंड डोज भी देते हैं। क्या चीज़ का सुविधा? कोरोना का। कौन सा डोज? दूसरा डोज। यहाँ पे व्यवस्था अच्छी है बूथ पर? हाँ, ठीक। क्या अच्छा लगा ना बूथ? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। वोट डालने आई थी? हाँ, माथी कर रहा, थर्मामीटर से जांच कर रहा है। जांच कर रही है? जांच कर रहा है। पूछता, हाँ पूछता है कि आप लोग को सुइया लिया है? बोलता है नहीं लिया, जो लिया है सो नहीं ले रहा, जो बाकी है सो यहाँ पर लेता है। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन भी दी जा रही है। आदर्श बूथ केंद्र बनाया गया, जहाँ पर कई और व्यवस्थाएं हैं। देख सकते हैं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, और सुरक्षा के साथ साथ आदर्श बूथ केंद्र बनाया गया, हेल्प डेस्क बनाया गया है, तमाम चीज़ों को रखा गया है यहाँ पर। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है, आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों में। वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे महिलाएँ हों चाहे पुरुष हों, सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। और लगातार वोटिंग जारी है, और दो सीटों को लेकर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में हैं हम। और इसमें देख सकते हैं किस तरीके से आदर्श मतदान बूथ केंद्र को सजाया गया है, ताकि लोगों को लाभ मिल सके। और ये अनोखा प्रयोग है, वैक्सीनेशन भी यहाँ पे दी जा रही है, और हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। क्या कुछ व्यवस्थाएँ की जा रही है इसको लेकर हम चीज़ बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ मजिस्ट्रेट है सर, यहाँ क्या कुछ व्यवस्था की गई है? यहाँ ये आदर्श बूथ है, यहाँ सारी व्यवस्थाएँ रहने का, और ये जो हम लोग जो रात में भी रहे हैं सब आदमी हैं, सब व्यवस्था बहुत अच्छा है। व्यवस्था लोगों के लिए व्यवस्था है, विकलांग के लिए व्हील चेयर है, रैंप है, पानी का व्यवस्था है, वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है, वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है सबको, जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ा है मास्क भी दिया गया है। आपका नाम सर? मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह, हम मजिस्ट्रेट हैं यहाँ। तो आपने सुना कि लोगों के लिए तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है, महिलाओं से ही बात करें, यहाँ की व्यवस्था अच्छी लगी? बैलून सजाया गया है आदर्श केंद्र, ठीक अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है, अच्छी व्यवस्था है, ऐसा होना चाहिए हर बूथ पर। और भी महिलाएं, क्या व्यवस्था अच्छी है? ठीक, यहाँ व्यवस्था ठीक अच्छी है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, बैलून सजाया गया है, ठीक। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देव। किस लिए आए हैं? वोट गिराने? हाँ, ठीक है, चाहिए। क्या व्यवस्था अच्छी है? हाँ, खुश है व्यवस्था से? हाँ, सही थी। वैक्सीनेशन भी हो रहा है? वैक्सीन ले लिया है कि लेना है? अब ले ली। ठीक, आगे चलो। वैक्सीन ले लिया कि ना? हाँ, लिया है। ले ली? आप अलग छे, ये सब सुंदर ठीक है? हाँ, ठीक है ना? है ना। लोगों ने भी कहा कि ये व्यवस्थाएं अच्छी हैं, आदर्श बूथ केंद्र पर लगातार व्यवस्थाएं अच्छी होती भी हैं, और यहाँ पर भी अच्छी व्यवस्थाएं दिख रही हैं। लेकिन इसके साथ जो वैक्सीनेशन कार्य है वो अनोखा प्रयोग है, चुनाव के साथ वोट लीजिए और वैक्सीन भी लीजिए, दोनों चीज़ लीजिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।